अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इधर मैं फ्राइंग पैन में सबसे पहले डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम मैंने इसका मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चॉप किए हुए लहसुन के जवे। लहसुन के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। और अब मैं इन सबको थोड़ी सेकंड्स के लिए जो है वो फ्राई करूँगी। कुछ सेकंड्स के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 लेकर उनको चॉप कर लिया था। हरी मिर्चों को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, और मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। वैसे इस रेसिपी में आप लहसुन के साथ ही कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मैंने इसमें नहीं डाला, और कड़ी पत्ते के बगैर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा ही होता है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 बॉईल किए हुए आलू रखे हैं कटे हुए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला जो हमने बनाया था। मसाले को मैंने इसीलिए ठंडा किया था ताकि ये प्लास्टिक का बॉल जले ना। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो ही इसमें लाल मिर्चें डालिएगा, वरना आप जो है उसको स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं इन सबको जो है वो आलू को अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैश कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं आलू के जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, और इसको आप वैसे बना सकते हैं जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, वैसे ही ये बनेंगे। यहाँ पे मैंने 7 बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं, और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया हुआ है बेसन, और मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे जायका नमक। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको जो है वो मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही थिक बैटर चाहिए इस वजह से। अगर आप इसको पतला रखेंगे तो फिर ये जो है वो वड़े जो है वो हमारे टूट जाएंगे और सही से नहीं फ्राई होंगे, तो इस वजह से इसको गाढ़ा रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने वड़ों को फ्रीज़र में से निकाल दिया था आधे घंटे के बाद, और अब मैं इसको जो है वो कोट कर रही हूँ इस बेसन में अच्छे से। कोट कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने एक बार में सिर्फ 3 डाले थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो है वो टूटे या कुछ और हो। और मैंने इसकी मीडियम फ्लेम रखी हुई है, और अब मैं इसके ऊपर जो हूँ वो थोड़ा थोड़ा करके तेल लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर वाला भी जो है वो सही से फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी, और इनको आपने डीप फ्राई ही करना है। और अब यहाँ पे देखें आपके हमारे वड़े बनके तैयार हैं, तो अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने पाव की ब्रेड ली हुई है, ये मैंने घर पे ही बनाई थी, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी में आपने बस इमली का पानी लेना है थोड़ा सा, उसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के उसको मिक्स कर देना है, और आखिर में आप इसमें जो है वो नमक ऐड कर दीजिएगा। चटनी लगाकर मैं इसमें जो हूँ वो वड़ा रख दूँगी, और इसका ब्रेड का दूसरा साइड जो है वो मैं तोड़ के इसके ऊपर रख रही हूँ, और ये हमारा वड़ा पाव तैयार हो गया है। और अगर आपको इस पाव ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं, लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।